हेलो गाइस, तो आगे नई वीडियो लेकर और आज की वीडियो को इस टॉपिक पे है। तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग नाइट में फोटो शूट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग मतलब अच्छी तरह से उसको एडिट नहीं कर पाते हो, मतलब पूरा क्लियर फेस नहीं होता है, स्मूथ साइज नहीं कर पाते हो और बहुत से प्रोसेस होते हैं जो आप लोग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मतलब इस टॉपिक पे है और वीडियो को पूरा इंटरेस्टिंग मतलब है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं बिना वेस्ट करते अपने वीडियो की तरफ। Give me just a 1 minute, girl, to make a difference, and then you will see that I am true sayer. So guys, ये देख सकते हो फोटो यहाँ पे, और ये वाली फोटो आप जो देख रहे हो मतलब सेम ऐसे एडिट करूँगा, पर इसमें थोड़ा बैकग्राउंड चेंज होगा। तो ये वाली फोटो है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे ये वाली, और कुछ मतलब क्वालिटी वालिटी भी नहीं है क्योंकि नाइट का फोटो है तो बहुत ही लो होती है, और ये मेरा प्रीसेट खुद का है। तो इस प्रीसेट से मैं इस फोटो को मतलब वन क्लिक में पहले एडिट करूँगा। तो लाइट रूम इसे मैं पहले शेयर कर दिया हूँ, ठीक है, और लाइट रूम ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं अपना प्रीसेट पे जाना है, ठीक है, और थिएटर पे जाने के बाद इसे कॉपी सेटिंग कर लेना है, बस आपको क्रॉप छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। और सिंपल से वजह ये वाली फ़ोटो इसको ऐड कर लेना है, और प्रीसेट सेटिंग होगा इस पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वन क्लिक में एडिट हो चुका है, और इसमें बस आपको शैडो थोड़ी बढ़ा देनी है क्योंकि ये नाइट वाली फ़ोटो है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्वालिटी भी नहीं आ रही है, पर कोई नहीं, इस फोटो को मैं काफ़ी ज़्यादा हीरो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को फॉरवर्ड करना, तो इसको मैं पहले शेयर कर देता हूँ पिक्सआर्ट में, ठीक है। तो ये मेरा पिक्सआर्ट है, इसमें ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको टूल्स पर जाने के बाद साइज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, और फिर से आपको टूल्स पर जानी है, आपको कन्वर्ट्स पर जाना है, और आपको थोड़ा इसको क्या कहते हैं जो इरेज करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो नेम वेम है, ठीक है, इसको हटाना है। तो आप वीडियो को देखते रहना, आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, इधर भी दोनों साइड है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस ये कम्प्लीट हो चुका है, फिर से आपको टूल्स पर जाना है आपको, ठीक है, और आपको कन्वर्ट्स लिखा हुआ इस पर आपको जाना है लास्ट वाले में। तब पहले आपको नीचे की तरफ पूरा करना है, ठीक है, पूरा, और पीछे आप देख सकते हो मतलब काला हो चुका था, तो इसको आप अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरह से आपको। और मैं थोड़ा यहाँ से फास्ट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, बस आपको इस तरह सेम टू सेम करना है, ठीक है। अगर आपका नाइट फोटो है, शूट हो रहा है, मतलब नाइट फोटो की है, तो अगर अगर नाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड कुछ डार्क कर सकते हो, और इसे नीचे की तरफ पूरा कर देना, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप। तो ये पूरा ब्लैक हो चुका है, और इसको डन कर देना, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी जान आ चुकी है फ़ोटो में, तो आपको हाइट फोटो पर जाना है, ठीक है। हाइट फोटो जाने में तो आपको एक PNG लेना है, और एक लाइटिंग लेना है, ठीक है, मतलब जो भी यूज करना, जो भी यूज करूँगा इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से लोड कर लेना, ठीक है। और स्टाइल का जो इसके स्किन कर देंगे, और आपको इसको फुल डिस्प्ले में जूम करना है, ठीक है, इस तरह। अभी आप देख रहे हो कि भाई तो सर क्या कहते हैं हेड पा चुका है, तो अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको पूरा फुल डिस्प्ले में कर लेना, ठीक है, आपको जो हेड पे आ रहा है, जो सर पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको इरेज कर देना इस तरह से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा को उसको हटाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, और इसको डन कर देना है, मतलब सेव नहीं करना, डन करना है। और जो लाइटिंग है इसको आपको स्क्रीन से आपको लाइट करना है, ठीक है, एक है जो बाइक है, तो मैंने सोचा कि बाइक की तरफ नीचे की तरफ जो लाइटिंग होगा उसका पोज जिस तरह है, इसी तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कन्फ्यूज था कि लाइट कितना रखना है मुझे, तो यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट कर दिया था वीडियो को, और फाइनली मैं यहाँ पे रख चुका हूँ, ठीक है, और इसको मैं डन कर दिया हूँ। तो इसमें अब कुछ और जाना चुकी है, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे, और आपको पिक्सल ऑप्शन जाना है, ठीक है, इफेक्ट ऑप्शन पे, ब्लैक एंड वाइट पर जाना है आपको, उस पर टैप करना है आपको, जी पे जाना है, ठीक है, और आपको लाइटिंग में जाना है। तो इसमें इसको कहते हैं HDR जो होता है वही है, ठीक है। तो आप चाहो तो अपना HDR कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत अमाउंट रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से मैं इसको डन कर देता हूँ, और फिर से आपको इफेक्ट ऑप्शन पर जाना है, ठीक है, और आपको सिंपल ऑप्शन जाने के दो नंबर पर टाइप करना है। तो इसमें ब्लू जो क्या कहते हैं शैडो होता है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, डार्क टाइप वाली, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑसम लुकिंग आ चुकी है। और सिंपल ऑप्शन जाने के बाद आपको सबसे लास्ट पर जाना है, ठीक है, यहाँ पे सेचुरेशन, ठीक है, और इसको पूरा सॉ कर देनी है, और जो जो हैंड हो गया, पैर हो गया, जो भी है, मतलब
इसको इरेज कर देना ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे हैंड पे रेड रेड है, इसको रेड की इरेज करना है ठीक है। गाइस थोड़ी दिक्कत आ रही होगी वॉइस में क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, और इसको डन कर देंगे ठीक है। तो लास्ट में एडजस्टमेंट थोड़ा कुछ मतलब करना है और कुछ नहीं ठीक है। और क्लियरिटी तो बढ़ाना होगा क्योंकि इसमें फ़ोटो अपना लाइटिंग वाली है तो बढ़ाना पड़ेगा। और जो मेरा क्या कहते हैं हैंड पर पैंट पर थोड़ा जो लाइटिंग छूट गया तो इसको भी हटा देंगे ठीक है, कलर और कुछ नहीं। गाइस आपको अपने फ़ोटो के मुताबिक इसमें देख लेना है पिक्चर में ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ोटो में मैं कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही जान डाल रहा हूँ ताकि फ़ोटो अच्छा लगे और बेहतरीन लुके मतलब बेहतरीन लगे ठीक है। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और सिंपल इसको डन कर दिया हूँ ठीक है। और मैं आपको गैलरी पहले ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाली फ़ोटो है जो अभी मैंने पिक्चर में किया हूँ, तो कुछ मतलब बेकार सा आया हुआ है ठीक है, और रीनेमिंग किया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूरा मतलब एचडी कर दिया ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी किया है। और भाई इस तो इस फोटो को तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाएगा ठीक है। तो इसको स्केच बुक पेंट कर लेता हूँ पहले, और जो मैंने पहले बिफोर का और आफ्टर का था ठीक है, तो इसको हटा दिया हूँ क्योंकि मैं पहले भी ट्राई किया था इस फोटो पे। और पहले आपको सेटिंग दिखा दे रहा हूँ ठीक है स्मूथ का, और इसके बाद अपना आराम आराम से इस तरह अप्लाई करना है ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो इसमें मैं ज़्यादा स्मूथ का मतलब आपको टाइम वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो बस आपको स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा स्टेप दिखा रहा हूँ कि इसे स्मूथ करना ठीक है। और यहाँ से मैं आपको वीडियो फास्ट कर दिया हूँ, बस आपको प्रोसेस देखना है ठीक है कि भाई ने कैसे किया। तो आप चाहो तो मेरे स्मूथ वाला वीडियो पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो ठीक है। और ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी करके कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और किसी और का भी टाइम वेस्ट ना हो ठीक है। बस मैं स्टेप आपको दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, आप चाहो तो वीडियो स्किप कर सकते हो ठीक है। तो पहले मैं अपना स्मूथ कंप्लीट कर लेता हूँ फाइनली से मतलब पूरा जल्दी से। और मैं थोड़ा इसमें कलर और दारूरी सो भी छो रहा हूँ तो उसका भी प्रोसेस मैं बताऊँगा ठीक है। तो सबसे पहले अपना लेयर पर जाएंगे और न्यू लेयर लेंगे ठीक है। न्यू लेयर लेंगे इसलिए लेंगे कि इसमें जो भी कुछ यूज करना है बता रहा हूँ आपको, पहले ब्रश बता रहा हूँ ये वाली ब्रश है ठीक है। और इसका सेटिंग आप देख लो, इतना ही रखना आपको, बाकी आपको न्यू लेयर लेते रहना है। और जैसे अभी ब्लैक कलर है ठीक है, तो मैंने कान का जो लेयर होता है वो लगा रहा हूँ ठीक है। सबसे पहले अपना गोल वाली लेयर लेना है, इस तरह अप्लाई कर देना है ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। और एक्स्ट्रा इसको भर देना है ठीक है। और अभी ब्लैक ही कलर लेना है, बस लेयर आप तो आपको चेंज करते रहना है ठीक है। और आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है इस पर। तो ये मत बोला गाइस ये तो काजल लगा रहे, तो ऐसा नहीं है काजल ही है, पर ये थोड़ा शेडो के लिए और क्या कहते हैं क्वालिटी के लिए लगाया जाता है ठीक है। और आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहते नहीं भी लगा सकते हो ठीक है, बस इसका ओपेसिटी कम कर देना है, ऐसे नहीं पता चलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में ठीक है। फिर से न्यू लेयर लेंगे, अब इस पर आपको कलर चेंज करना है ठीक है। तो भाई ने आपका लिप्स का थोड़ा मतलब रेड पहले से ही है, तो भाई का और भी रेड कर देना है ठीक है, हल्की सी करने और कुछ नहीं। और इसका ओपेसिटी हल्के से कम कर देना और कुछ नहीं ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ इसको भी अप्लाई कर देना इस तरह से आपको। गाइस आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तभी आपको स्टेप बाई स्टेप वो समझ में ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे भाई ने वीडियो को अपने कुछ ऐसा ऐसा बताया जो हमको समझ ही नहीं आया। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा स्किप मतलब मत करना और आराम आराम से देखना ताकि आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको समझ में आए ठीक है। फिर से न्यू लेयर लेंगे ठीक है, आपको कलर चेंज करते रहना और कुछ नहीं, बता रहा हूँ पहले ही मैं। और ये जो कान वो क्या कहते हैं आँख का जो लेंस होता है वो लगाना है ठीक है। तो आपको इस तरह पहले अप्लाई कर देना है मतलब ब्लू जो जो ये जो कलर है और कुछ मतलब कलर का नाम क्या है, और इसको अपना मतलब पहले लेयर पर जाएंगे ठीक है, इस कलर वाले लेयर पर जाएंगे, इसको टैप करेंगे और एजेंसी होता है इसको वाइट कर देना है ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके हल्की से ओपेसिटी कम करना है, आँख में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेंस आ जाता है देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इतना तो मेरा प्रोसेस हो गया इसमें ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपको दाढ़ी वाली ये वाली ठीक है, मैंने स्मूथ करते समय मतलब कुछ हो रहा था इसमें, इसलिए मैं दोबारा इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको लेयर ले लेना है और आपको इस तरह से अप्लाई करना है ठीक है, आराम आराम से आपको करना है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले ही स्मूथ करते समय मतलब ऐसा कलर छोड़ देता हूँ मतलब ताकि लुकिंग आ जाए ठीक है दाढ़ी का कुछ भी का। तो पहले आप अप्लाई स्मूथ करते हो तो आपको उस समय ध्यान देना पड़ता है ठीक है।
और इसके लेयर पर जाएंगे, इसके ऊपर से डिकम कर देंगे। आप चाहो तो हाई भी रख सकते हो या तो लो भी रख सकते हो, ठीक है। मैं लो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई भाई के तो बस थोड़ा थोड़ा इसलिए, ठीक है। तो देख सकते हो रियल लुक लग रहा है इसमें, ठीक है। और एक और लास्ट स्टेप है इसमें, आप अभी आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ ज़्यादा छूटा हुआ है। तो पहले अप्लाई उतना हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको लेयर पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेयर पे जाना है, फर्स्ट लेयर पे टैप करना है इस पर, और आपको HLC लिखा हुआ है, ठीक है, HLC। और इसमें कलर एडजस्ट जो होता है वही है, ठीक है। मतलब लाइट रूम का और एक कहते हैं स्केच बुक का दोनों एक ही होता है, पर स्केच बुक का हाई क्वालिटी होता है, लाइट रूम का लो होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसमें करता हूँ कलर एडजस्टमेंट, ताकि काफ़ी ज़्यादा फोटो अच्छी और शाइनिंग दिखे, ठीक है। और HDR जो भी होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है। अगर आप इसको टैप करोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा DSLR का भी फेल करने वाली फ़ोटो सेव होगा, ठीक है। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ और चलते हैं अपने मतलब गैलरी की तरफ, ठीक है। और गैलरी में आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डबल टैप वाली जूमिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो, और काफ़ी हाई है गाइस। आप यकीन नहीं करोगे ये फ़ोटो कैसे एडिट हुआ है, आप सोच नहीं सकते हो। तो आज का फोटो एडिटिंग यही था। तो गाइस आप समझ ही सकते हो कि एक फ़ोटो एडिट करने में कितना टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो एक लाइक तो बनता है यार, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।